हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह चौधरी जी को मनोनीत किया गया हरित प्रदेश पार्टी शुड बी गिवन बाय हिमसेल्फ एंड ही विल एक्सप्लेन व्हाई व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ कुड वी हाउ कुड वी गेट इट इम्पोर्टेंट फॉर रीजन टू गेट इट फॉर्म्ड. आई विल रिक्वेस्ट श्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के आज 27 लोकसभा की सीटें और 136 विधानसभा का क्षेत्र आता है और जिसकी जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है और जिसकी राजनीतिक स्तर पर जो एक पहचान होनी चाहिए वह समाप्त हो चुकी है. यहां की 7 करोड़ जनता की जो सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान समाप्त होता जा रहा है और इनका सामान भी जो आर्थिक संसाधन समृद्ध इलाका यह है इसको भी छीनने का काम सरकार दर सरकार होता चला रहा है. और यदि आप पिछले 20 साल का इतिहास देखें जो राजनीतिक पार्टियां सपा हो बसपा हो या अन्य हो आपने ये महसूस किया होगा आंकड़े हैं 35 से 40-45 सीटें आपकी पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी जीत जाते हैं. अधिकारी आते हैं यहां पर लूट मचाते हैं और अपने घर भर करके वापस लौट जाते हैं चाहे वो सपा की सरकार हो चाहे वो बसपा की सरकार हो. जहां तक इस मुद्दे का सवाल है इसका जिक्र मात्र कर देते हैं. जी आज आपने हरित प्रदेश पार्टी का जो घोषणा की है क्या इसका उद्देश्य है क्या स्वरूप होगा आगे इसका? देखिए आज हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश के 26 जिलों और 6 मंडलों में रहने वाली 7 करोड़ जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए और एक अलग प्रदेश का गठन करने के लिए हरित प्रदेश पार्टी का जो है आज यहाँ स्थापना दिवस है उसको हमने आज यहाँ लॉन्च किया है और इस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य 7 करोड़ 26 जिलों में रहने वाली जनता को एक अलग प्रदेश बना करके देना है. हरित प्रदेश जिंदाबाद.